हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस द फैंटास्टिक। आज हम लोग कच्चे आम से एकदम चटपटी सी खट्टी मीठी आम की चटनी बनाएंगे। आम की चटनी में एक स्पेशल मसाला यूज करेंगे, उससे चटनी का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखकर घर में जरूर इस तरह से एक बार आम की चटनी बनाइए, बहुत ही मजेदार बनता है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया रेसिपी अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज़ के कच्चे आम यूज़ किया है, वेट में ये 600 ग्राम है। यहाँ पर मैंने आम को छीलकर मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। बहुत छोटा अगर आम को काट देंगे तो आम गल जाएगा चटनी बनाते वक्त। अब एक कढ़ाई में 2 टीस्पून सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद डाल देंगे 1/4 टीस्पून पाँच फोड़न, 2 तेज़पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। फ्लेम को मीडियम पे रख के 30 सेकंड के लिए सब कुछ सॉटे कर लेंगे। 30 सेकंड हो गया है और मसालों से अच्छी खुशबू आने लगी है, तो अब कटे हुए आम डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब सब कुछ मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम में सॉटे कर लेंगे। 4 मिनट हो गया है, अब 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से एक बार सब कुछ मिक्स कर देंगे। कढ़ाई को कवर करके मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट के लिए आम को कुक होने देंगे। बीच में एक बार कवर खोल के चेक कर लेंगे आम कितना कुक हुआ है, फिर से कवर कर देंगे। 5 मिनट हो गया है, अब हम लोग गुड़ ऐड कर देंगे। आप लोग चाहो तो सिर्फ चीनी या फिर गुड़ और चीनी मिलाकर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम आम के लिए 180 ग्राम गुड़ यूज़ किया है। गुड़ और आम को एक साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप लोग को मैंगो चटनी कितना मीठा चाहिए और आम कितना खट्टा है उसके ऊपर डिपेंड करके गुड़ या चीनी ऐड करना है। अब कढ़ाई को कवर करके फिर से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में आम को कुक होने देंगे। 5 मिनट हो गया है, लेकिन अभी भी आम कम्प्लीटली कुक नहीं हुआ है, तो फिर से 2-3 मिनट के लिए ढककर आम को हम लोग कुक कर लेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद टोटल में हम लोग 12 से 13 मिनट के लिए आम को कुक किया है और अभी हम लोग का आम एकदम परफेक्टली नरम हो गया है। अभी हम लोग हाई हीट में मैंगो चटनी के कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। मैंगो चटनी को हम लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं करेंगे, मीडियम कंसिस्टेंसी का रखेंगे। चटनी का कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के बाद 2 टीस्पून ये मसाला ऐड कर देंगे। मसाला को चटनी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद कढ़ाई को ढक के गैस को ऑफ कर देंगे। हम लोग का खट्टी मीठी आम की चटनी बिल्कुल रेडी है। ठंडा हो जाने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं आम की ये खट्टी मीठी चटनी के लिए मसाला कैसे बनाते हैं। पहले एक पैन में 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, 2 टीस्पून 5 फोड़न ऐड करेंगे और ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ। गैस को ऑन करके फ्लेम को लो मीडियम पे रखेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए या फिर जब तक कि ना मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे मसालों को हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसालों को ड्राई रोस्ट करने के बाद कम्प्लीटली ठंडा करके एक पाउडर बना लेंगे। ये रेसिपी के लिए हम लोग सिर्फ 2 टीस्पून मसाला यूज़ किए थे, पूरा मसाला यूज़ नहीं करना है। आम की खट्टी मीठी चटनी को कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद ही सर्व करना है। आम की चटनी को पूरा ठंडा करके एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रखकर आप लोग 2 हफ्ता तक यूज़ कर सकते हो। ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।